नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल। आज आपको मैं महान तपो स्थली ब्रह्मलीन श्री श्री मौनी बाबा जी के समाधि मंदिर पर ले आई हूं। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि इस समय हम समाधि मंदिर में बैठे हैं। बाबा की दिव्य मूर्ति के सामने बैठकर आपको एक बहुत ही महान विभूति की स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। श्री श्री मौनी बाबा जी के परम शिष्य जो बाबा के तपोस्थली मौन तीर्थ के संस्थापक हैं, संचालक हैं, श्री श्री सुमन जी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं हम। इस समय हम श्री श्री सुमन जी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, आप जन कल्याण का महान कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रीय चेतना को जन जन तक जगाने का कार्य कर रहे हैं, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जन कल्याण के कार्य इस देश में बहुत सी धार्मिक संस्थाएं, धर्मपीठ, आचार्य, संत बहुत से लोग कर रहे हैं। मुख्यतः यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं मेरे जीवन को जब पलट कर देखता हूँ कभी, और जिन अभावों में हमने अपनी शिक्षा पाई है, जब उसे सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारे ऐसे ही सुमन भाई होंगे जिन्हें इन सब साधनों की आवश्यकता पड़ती। मूलतः मैं रामकथा का वक्ता हूँ, वक्ता भी नहीं कह सकता, मैं विद्यार्थी हूँ रामकथा का, मानस जी पढ़ता हूँ। और कुछ लोग मुझे कहीं कहीं निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं, मैं वहाँ कथा के लिए जाता हूँ। उन कथाओं से जो धनराशि प्राप्त होती है, उससे मैंने एक सुदामा निधि योजना बनाई, और सुदामा निधि योजना से हम ये करते हैं कि जो धन द्रव्य हमें कथाओं के माध्यम से मिलता है उसे हम सुदामा निधि योजना में लगाते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती, शैक्षणिक शुल्क हमारे संपर्क में आते हैं प्रधानाचार्य के माध्यम से, और विद्यालय के प्रधानाचार्य हमें लिख के देते हैं कि इस बच्चे की फीस इतनी है और इसकी माँ नहीं है या इसके पिता नहीं हैं, पिता हैं तो रिक्शा चलाते हैं, माँ हैं तो बर्तन माँजती है, कहीं फीस की व्यवस्था नहीं है। बच्चा मेधावी है, पढ़ने में होशियार है, यदि इसकी फीस की व्यवस्था हो जाए तो इसका भविष्य कहीं उज्ज्वल हो सकता है। तो ऐसा अनुशंसा हमें जब प्रधानाचार्य करते हैं तब हम शाला के नाम से या प्रधानाचार्य के नाम से ही अपने यहाँ से वो पैसा चेक के द्वारा या कैश देते हैं। अभी तक मेरी व्यास गाली पूरे भारत में ऐसे करीब 45,000 बच्चों का शिक्षण शुल्क दे चुकी है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मेरा जीवन भी ऐसे ही अभाव से निकला है, इसी तरह के समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि समाज का एक वर्ग ऐसा है उस तक लाभ पहुंचना चाहिए, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ। और ये सब मैं स्वतः सिखाए करता हूँ, इसमें मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है और कोई प्रचार की भी आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी खुशी के लिए, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये सब करता हूँ। आपने एक बात कही जिससे मेरे मन में प्रश्न उठा कि मैं स्वयं इस अभाव से गुजरा हूँ। हम अक्सर देखते हैं जो ज़्यादा
पवित्र आत्मा होती है जो भगवान से काफ़ी नज़दीक होती है, जो विशेष विभूतियाँ होती हैं उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है, और लोग कहते हैं कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। इससे कई लोग तो पूजा पाठ से विमुख भी हो जाते हैं कि नहीं, जो जितना ज़्यादा पूजा पाठ करता है उतना दुखी होता है। मेरा ये मानना है, मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि जिसको निखरना होता है उसे तपना ही होता है, बिना तपे सोना निखरता नहीं। आपका क्या अनुभव है? देखिए, परमात्मा यदि परीक्षा लेते हैं, या हम कहते हैं कि परमात्मा हमें हमारे भाग्य में कष्ट देते हैं, हमें कष्ट मिल रहा है, तो कष्ट भी उन्हें ही दिया जाता है जो सहन कर सकते हैं। परमात्मा परम पिता है, तो पिता भी अगर हमें दंडित करता है तो दंड वो ही देता है जिस दंड को हम सहन कर सकते हैं। तो परमपिता यदि दंड देता है, परमपिता यदि परीक्षा लेता है, तो परमपिता भी परीक्षा उसी की लेता है जो उसके योग्य हो। हर किसी की परीक्षा परमात्मा नहीं देता, और हर किसी को दंड भी परमात्मा नहीं देता। मैं तो यही प्रार्थना परमात्मा से करता हूँ कि जितना कर्म कराना है वो सब कर्म परमात्मा कराए, और यदि हमने कुछ अपराध किए हैं इस जन्म में या पहले जन्म में या किसी भी जन्म में, उसका दंड भोगने के लिए हम परमात्मा के सामने प्रस्तुत हैं, क्षमा नहीं करा रहे हैं। अपनी गलतियों को हम क्षमा नहीं कराना चाहते, हम चाहते हैं हमारे से जो भूल हुई है, हमारी जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसका दंड परमात्मा हमें दे अवश्य, लेकिन उनके दिए हुए दंड को हम सहन कर सकें, इतना बल इन कंधों को दे ताकि हम उसे हंसते हंसते सहन भी कर सकें। एक विचार और आ रहा है मन में, यदि हमें जो पवित्र आत्माएं हैं, जो कि पवित्र आत्माएं हैं, उन्हें उस कष्ट उस दुख से गुजरना नहीं पड़ता, तो उनके अंदर इतनी करुणा शायद जाग भी नहीं पाती। आप उस कष्ट से गुजरे हैं, उस चीज़ को आपने स्वयं अनुभव किया है, तब आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, मेधावी है, वो भी उस कष्ट को से ना गुजरे। इसलिए आप ये देखिए, अन्यथा अस नहीं कोई, परमात्मा जो चाहते हैं वो करा लेते हैं, और जो वो कराना चाहते हैं उसकी भूमिका पहले से तैयार करते हैं, अचानक नहीं होती। परमात्मा पहले से किसी न किसी को तैयार करते हैं, कोई इस क्षेत्र में काम करेगा तो उसे काम करने के लिए किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, वो रास्ते परमात्मा ही उसे दिखा देते हैं, और उसके अंदर इस तरह का एक भाव पैदा करते हैं। और मैं तो एक चीज़ मानता हूँ मेरे जीवन में, कि हम अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम करते हैं, हर व्यक्ति करता है, कोई ना कोई लज्जास्पद काम, कोई ना कोई ऐसा काम हर व्यक्ति करता है, लेकिन जब हम वो कार्य करते हैं तब हम समाज से छिप के करते हैं। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो परमात्मा से छिप के करते, समाज से छिप के करते हैं, लेकिन हमारा दर्शन ये कहता है कि परमात्मा उस सबको देख रहे हैं, परमात्मा उसका साक्षी होता है जी। गलत कार्य का जी। समाज नहीं होता जी। लेकिन जब हमें अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य करना हो तब भी हमें तय करना चाहिए कि उसका साक्षी केवल परमात्मा हो जी, जी। समाज ना हो जी। तो उसे परमात्मा देखता है जी। तो इसलिए मैं जो भी करता हूँ, जैसा भी करता हूँ, उसका साक्षी केवल परमात्मा होता है जी। समाज नहीं होता। हम नहीं कर रहे, हम केवल साधन हैं, हम किसी के हाथ का साधन बने हैं, और प्रकृति की मांग पूरी हो रही है। ईश्वर जो चाह रहे हैं वो कार्य हमारे से करा रहे हैं, और हम ईश्वर के हाथ का एक साधन हैं, कार्य उनका ही है, वो ही कराते हैं। कोई भी सत्कर्म अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना चाहिए। कोई भी सत्कर्म अगर हम करें तो अपने अंतर में परमात्मा की प्रतिष्ठा करने के लिए हम सत्कर्म करना चाहिए। जी, आपके जन्म से एक अद्भुत चमत्कार जुड़ा हुआ है। आप महान
विभूति श्री श्री मौनी बाबा जी की जी के परम शिष्य हैं। आपने और भी कई दिव्य अनुभूतियाँ अनुभव की होंगी, मैंने खुद अनुभव किए हैं। जब मैं 2 वर्ष पहले 13 दिसंबर को मौनी बाबा जी का मैंने चरण स्पर्श किया था, तो मैंने एक कुछ दिव्य अनुभूतियाँ मैंने अनुभव की हैं, मुझे कई सपने आए हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ आप भी हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरा मेरे जन्म से पहले मेरे 6 भाई बहन हुए और काल कमेंट हुए। जब मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्म के 24 घंटे के बाद मेरी भी मृत्यु हो गई। और मेरे पिता वैद्य थे, मेरे पिता ने देखा कि ये बच्चा मर गया। आए हुए थे तो मेरे पिता ने सूचना दी, बाबा हमारे घर मेरे पिता के साथ आ गए और मुझे नीचे से उठाया था। नीचे से उठा के बाबा ने मेरे माता पिता को बहुत लिख लिख के डांटा कि तुमने ऐसे डाल दिया। मेरे पिता ने कहा कि ये अब रहा नहीं है, मैं वैद्य हूँ, मुझे पता है बच्चे कैसे मरते हैं, ये मर गया है। बाबा ने लिखा कि कभी जीवन में ये मत कहना कि ये तुम्हारी संतान है। पिता ने कहा कि महाराज कुछ देर में आप भी मना कर दोगे, भगवान की संतान हो गया है, किसी की नहीं है। घर में एक छोटा तखत था कोई 4 फीट का, तो बाबा उस पर लेट गए और मुझे छाती पे रखा। उनका सर भी नीचे लटका हुआ था, पाँव भी नीचे लटके हुए थे और 6 दिन तक इसी स्थिति में लेटे रहे। 7वें दिन मेरे शरीर में प्राणों का संचार हुआ। इस तरह से मेरे माता पिता जिन्होंने मेरे इस शरीर को जन्म दिया था, उन्होंने हमें बचपन से यही बताया कि शरीर को हमने जन्म दिया था अवश्य, लेकिन आत्मा को जन्म देने वाले तो बाबा ही थे, बाबा ही हैं। तो वही मेरे माता रहे, वही मेरे पिता, वही मेरे गुरु। इस तरह का मेरा उनके साथ संबंध रहा। और निर्मला जी, मैं उनके साथ निरंतर रहा हूँ, मैंने बहुत से चमत्कार उनके देखे हैं। अंतिम समय में भी उन्होंने यही लिखा, गुरु एक तत्व है, स्थूल शरीर के न रहने पर वो सूक्ष्म शरीर से भक्तों और शिष्यों का रक्षण करता है, हमारी समाधि सदैव जागृत रहेगी और तुम्हारी समस्त कामनाओं की पूर्ति है। तो मैं ये देख रहा हूँ 3 मार्च के बाद से समाधि न जाने कितने लोग आते हैं, रोज आते हैं, उन सबकी कामनाओं की पूर्ति भी समाधि करती है। एक बहुत बड़ा आश्वासन बाबा ने हमें लिख के ये दिया है और यही हमारे जीवन का आधार है, यही संबंध। आप समाज के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, आपके आपके यहाँ 8 दिसंबर से कल 2018 14 दिसंबर तक बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। समाज के इस अनेक विभूतियों को आप सम्मानित करते हैं, कैसा लगता है? मैंने आपको निवेदन किया कि मैं तो स्वांतः सुखाय करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए ये सब चल रहा है। मुझे क्यों अच्छा लगता है? ये भी मुझे लगता है कि परमात्मा को अच्छा लगता है, इसलिए परमात्मा मेरे से कराता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। जो यहाँ पे आपको मानव संसाधन मंत्रालय से भी संबद्धता मिली हुई है, पिछले बार 14 दिसंबर 2000 को मैं उस दिव्यतम घटना की साक्षी रही हूँ जब यहाँ पे सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया था उज्जैन का। जी, बाबा ने ही फहराया, जी बाबा के कर कमलों से फहराया गया था। नहीं, ये मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र, मालवा प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया था। आप हम सब मेरे चैनल के सभी दर्शक जो इस स्टोरी को देख पा रहे हैं वे भी बहुत ही पुण्यात्मा है। मैं भी बहुत पुण्यात्मा हूँ जो बाबा के परम शिष्य, बाबा की आत्मा जिनके अंदर संचारित है, उस परम शिष्य श्री श्री सुमन जी का इंटरव्यू देख पा रही है। मैं उनके चरणों पर बैठी हुई हूँ और यहाँ पे राष्ट्र भक्ति को जन जन तक पहुँचाने का जो कार्य किया जाता है, पाश्चात्य संस्कृति ने जिस तरह भारत की संस्कृति को संक्रमित किया है,
यहाँ जो गुरुकुल संचालित है वहाँ वैदिक शिक्षा दी जाती है। भारत जिस संस्कृति, जिस महान संस्कृति और अध्यात्म के दम पर विश्व गुरु बना था, उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ जो महती कार्य किया जाता है, हम उस दिव्यतम तपो स्थली पर बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि श्री श्री सुमन महाराज जी पूरे राष्ट्र को मेरे चैनल के द्वारा युवाओं को भी संदेश दें, महिलाओं को भी संदेश दें। देखिए, संदेश एक ही है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। यदि हम परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं, परमात्मा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें मानव सेवा करनी चाहिए, मानवता को जगाना चाहिए, मनुष्य से मनुष्य का संबंध होना चाहिए। हमें एक सेतु बंध करना चाहिए इस राष्ट्र में कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति समाज में जुड़ता चला जाए। रावण समाज को तोड़ता है, राम समाज को जोड़ता है। राम कथा का यही संदेश है। राम ने बहुत बड़ा सेतु बंध किया है, भील, कोल, किरात, आदिवासी, इन सबको एक सूत्रों में पिरोते हुए मिले राम। पक्षी संस्कृति, वानर संस्कृति और आर्य संस्कृति से अनार्य संस्कृति विभीषण को भी जब जोड़ देते हैं, समाज जब संगठित हो जाता है, तब रावण को मारना नहीं पड़ता। रावण अपनी मौत अपने आप मर जाता है, चाहे रावण उस काल का हो, चाहे रावण इस काल का हो। यदि हम आसुरी वृत्ति से और रावणी वृत्ति से इस राष्ट्र को मुक्त करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि समाज संगठित हो, एक सेतु बंधु जो राम की तरह सब जातियों को, सब संप्रदायों को, सब लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का हम प्रयास करें। बस यदि हम ऐसा कर पाए तो रावण भी मर जाएगा और राम राज्य की स्थापना भी इस राष्ट्र में हो जाएगी। यही संदेश समाज को, युवाओं को देना चाहता हूँ। राष्ट्र की युवा शक्ति इस ओर चले, इस ओर बढ़े। आज भारत में मातृशक्तियों को आप कहाँ पाते हैं और मातृशक्तियों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मातृशक्ति जब हम शक्ति कहते हैं, तब हमें ये मान लेना चाहिए कि उसमें अनंत शक्ति है। शिव शब्द में शक्ति निहित है, जो इकार है वो ही शक्ति है। यदि ई हटा दी जाए तो शिव का केवल शव रह जाएगा और शव निष्प्राण होता है, अनंत शक्ति है। और आज करुणा ये है कि इस राष्ट्र में हमने जिसे भी माँ कहा है, उसके साथ हमने दुर्व्यवहार किया है, चाहे वो भारत माता हो, चाहे वो गंगा माता हो, चाहे वो क्षिप्रा माता हो, चाहे नर्मदा माता हो, चाहे गो माता हो। हम कन्या पूजन करते हैं नवरात्र में, छोटी कन्याओं को चरण स्पर्श करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, जय अमृत बड़े भाव से गाते हैं, लेकिन यदि पता चल जाए कि गर्भ में भ्रूण कन्या का है, तो उसे मारने में भी नहीं चूकते, भ्रूण हत्या कर देते हैं। यदि भ्रूण हत्या से बच जाती है कोई कन्या और जवान हो जाए, तो बलात्कार हो जाता है सारा। और यदि बलात्कार से बच जाए, विवाह हो जाए, तो दहेज के नाम पे जलाकर मार देते हैं। कभी उससे भी बच जाए और माँ बन जाए, तो फिर उसे वृद्धाश्रम में धक्का दे देता है। तो हमने जितने भी शब्दों के साथ, जितने भी संबंधों में माँ शब्द का प्रयोग किया है, उसके साथ हमारी भक्ति कहीं भी विचारणी हो रही है। मेरे अर्थ को समझें और जिन जिन संबंधों में, जिन जिन स्थानों पर हमने माँ का संबंध स्थापित किया है, उन्हें माँ जैसा सम्मान दें, तो मुझे लगता है कि नारी शक्ति फिर से इस राष्ट्र में एक बार उसी तरह से पूजी जाएगी, जैसा कि हमारे मनीषियों ने कहा है कि जिस राष्ट्र में स्त्री की पूजा होती है, वहाँ देवता रमण करते हैं। यदि हमें इस राष्ट्र को सच्चे अर्थों में वहाँ तक पहुँचाना है, तो हमें मातृशक्ति को फिर से उतना ही सम्मान, उतना ही आदर देना होगा। अपने न्यूज चैनल की ओर से, अपने दर्शकों की ओर से मैं आपका सादर
आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार। ठीक है।